आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपको क्लियर कराने जा रही हूँ लाइसोसोम्स। बचपन से आज तक जो सबसे फर्स्ट थिंग, अगर कोई स्टूडेंट लाइसोसोम के बारे में सीखता है तो वो यही सीखता है, इसको हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल ऑफ द सेल, क्योंकि इसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि नेचर में एसिडिक होते हैं, जिनके ब्रस्ट करने के बाद सेल खुद को डाइजेस्ट कर जाता है, जिसकी वजह से इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? एक यूनि लेयर्ड, मतलब वन लेयर का बना हुआ। टू लेयर तो आपको इसमें नजर नहीं आ रहा, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो बोले नहीं हमें यहाँ पे दो लेयर नजर आ रहे हैं, नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। वेसिकल मतलब कोई थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग वेसिकुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो क्या है ये? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। देन क्या है ये? मेम्ब्रेन बाउंड मतलब मेम्ब्रेन है चारों तरफ, वेसिकुलर स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। देन कैसे फॉर्म होता है ये? तो गोल्जी एपरेटस उसको बनाने का काम करता है। लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस इसको बनाने का काम करता है। कौन बनाएगा इसको? गोल्जी एपरेटस, ठीक है। अब यहाँ पे एंजाइम्स तक तो ठीक है, लेकिन एंजाइम्स के साथ साथ यहाँ पे ना ये प्रोटीन्स आपको लिखने का काम कर रहा है। क्या ये प्रोटीन्स है? क्यों यहाँ पे स्पेशली प्रोटीन्स बोला जा रहा है? क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होगा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला, मतलब बहुत सारे एंजाइम्स की कैटेगरी जो है ये कंटेन करने का काम करता है। जो यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपको लिखा जा रहा है उसकी कैटेगरी भी मैं आपको बताती हूँ। तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि लाइसोसोम को बनाने का काम कौन करता है, तो आप क्या बोलेंगे? लाइसोसोम को बनाने का काम गोल्जी एपरेटस करता है, ठीक है। इसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ऐसे कर देती हूँ, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम, एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम। हम लोग लाइसोसोम के हाइड्रोलिटिक एंजाइम को जब देखना चाहे, हर चीज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम ये कैरी करने का काम करेगा। जैसे इसको हम लोग दूसरा नाम हाइड्रोलेजेस भी बोलते हैं इसको, और अगर मैं ऐसे कर दूं, और हाइड्रोलेजेस तब भी सही है ये, हाइड्रोलेजेस। क्या क्या है इसके पास? अगर लिपिड डाइजेस्टिंग होगा कैसा होगा? लाइपेज, लाइपेज होगा तो लाइपेज क्या करेगा? लाइपेज का क्या नेचर है? लिपिड डाइजेस्टिंग, लिपिड डाइजेस्टिंग, ठीक है। देन अगर इसके पास प्रोटीएजेस हुआ, प्रोटीएजेस क्या हो गया इसका? प्रोटीन डाइजेस्टिंग करने वाला हुआ तो कार्बोहाइड्रेजेस, ठीक है। कार्बोहाइड्रेजेस हुआ तो ये क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट कार्बो
हाइड्रेट डाइजेस्टिंग नेचर है इसका। हो गया। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रही हूँ मैं। आगे बढ़ रही हूँ मैं। चलिए तो ये जो लाइसोजोम्स हैं, इसको आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्या सुनते आ रहे हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि हमें यहाँ पे ऐसा ये यूनिक सा स्ट्रक्चर क्यों बताया जा रहा है। तो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में एक स्पेसिफिक आपको पैरा दिया गया है जहाँ पे सिर्फ एंजाइम्स के बारे में और एंजाइम और सबस्ट्रेट के रिलेशनशिप के बारे में आपको बताया जाता है। तो एंजाइम का ये जो इतना एरिया जो खाली है, जिसको मैंने यहाँ पे ये कलर कर दिया, ठीक है, तो इसी नॉच में आके सबस्ट्रेट फिट होता है और फिर वो काम करता है अपना। तो हर एक एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं, अलग अलग होते हैं, जो कि उसके साथ कंबाइन करके काम करता है। तो ऐसे पहले एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर है ये, फिर इसको यहाँ पे ऐसे जूम किया गया है, 3D व्यू जब आप देखेंगे तो ऐसे बॉल करने का काम करता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको कहते हैं कि क्या है, ये सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनेल पे मैं मूव कर रही हूँ, दैट इज वेक्यूल्स। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रही हूँ मैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज वेक्यूल। नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज वेक्यूल। वैक्यूल अपने आप में काफी यूनिक है, इसलिए क्योंकि प्लांट सेल्स की जब बात आती है तो ये वैक्यूल जो है वहां पे मेम्ब्रेन को भी धक्का देते हुए, मतलब न्यूक्लियस को भी धक्का देते हुए बिल्कुल उसको साइड में मेम्ब्रेन के पास कर देता है और खुद सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, क्योंकि वैक्यूल है। वैक्यूल मतलब क्या होता है, ऐसे स्पेस जहां पे होता है, इट इज वैक्यूल। ठीक है, तो कहाँ प्रेजेंट होगा ये, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, पर और जैसे शॉर्टकट में मैंने आपको निकाला है, लाइसोसोम्स वैक्यूल भी करते हैं, आसान है, कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्रिटिकल होगा, आपको समझ नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या है ये, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस। मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द, फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल के साइटोप्लाज्म में ये पाया जाता है। ठीक है, क्या होगा, इसके पास पानी भी होगा, सैप होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और दूसरे मटेरियल्स को भी ये कैरी करने का काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिख लीजिए, वाटर सैप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जिसको इसको रिलीज कर रहा हूं, एक्सक्रीटरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मतलब विच इज नॉट यूजफुल फॉर सेल। क्या मतलब है, कहीं ऐसा ना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का गलत मतलब कोई बच्चा समझ ले, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दैट इज नॉट यूजफुल फॉर सेल, उसको बोला जा रहा है यहाँ पे, दैट इज नॉट यूजफुल फॉर सेल एंड अदर मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन, आर प्रेजेंट इन वैक्यूल। कहाँ प्रेजेंट होगा ये, वैक्यूल में प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा ये, वैक्यूल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ पे कि अगर वैक्यूल है तो मैंने अभी अभी आपको क्या बोला कि इसके चारों तरफ क्या होगा, एक मेम्ब्रेन होगा। तो वैक्यूल के मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं हम लोग। वैक्यूल का मेम्ब्रेन क्या कहलाता है, दैट इज टोनोप्लास्ट। ठीक है,
ये देखिए एक प्लांट सेल है जिसमें आपको दिख रहा है इसने क्या किया हुआ, सेंट्रल पोजीशन को खुद ही ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। तो ये अगर वैक्यूल है तो वैक्यूल के चारों तरफ ये वैक्यूल का मेम्ब्रेन होगा ना, ऑब्वियस से बाउंड्री होगी तभी तो वैक्यूल फॉर्म होगा। तो ये जो मैंने रेड कलर से भी बनाया है इसकी जो बाउंड्री है दैट इज टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, टोनोप्लास्ट पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट है हम लोगों के पास टोनोप्लास्ट करके मैं लिख देती हूँ ताकि याद रहे आपको, टोनोप्लास्ट TONOPLAST, टोनोप्लास्ट। ठीक है क्या होता है टोनोप्लास्ट, तो सिंगल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, टोनोप्लास्ट इज द सिंगल मेम्ब्रेन, दो तो है नहीं एक ही है, सिंगल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, शॉर्टेस्ट लिख दिया मैंने, सबसे एक इकलौता जो मेम्ब्रेन है इसका दैट इज टोनोप्लास्ट। ठीक है प्लांट सेल्स में ये 90% वॉल्यूम अब दिख भी रहा है आपको, खुद ही बीच में सेंटर में सारे पोजीशन को ऑक्यूपाई करके ये बैठा हुआ है। ठीक है आगे लिख लीजिए, इन प्लांट सेल्स The vacuoles, occupy ninety percent of the volume of the cell. वॉल्यूम ऑफ द सेल को ये कैरी करने का काम करता है, खुद ही सेंट्रल पोजीशन वहां पे ऑक्यूपाई करता है। ठीक है क्वेश्चन ये अराइज होता है कि करता क्या है ये, जब हम लोग बात करते हैं वैक्यूल के बारे में तो वैक्यूल करता क्या है, तो वैक्यूल का मेम्ब्रेन क्या हो गया, ये क्या हो गया, टोनोप्लास्ट हो गया है ना। तो अपना कॉमन सेंस जब आप लगाएंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि अगर किसी चीज को बाहर से अंदर जाना है और अगर किसी चीज को अंदर से बाहर जाना है तो है क्या उसके लिए, टोनोप्लास्टी है। तो फिर इसी बेसिस पे हम लोग लिखेंगे कि टोनोप्लास्ट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल। ठीक है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी भेज सकता है, जिसका मतलब है कि ये एटीपी का यूज करेगा है ना, एटीपी का यूज करके फिर ट्रांसपोर्टेशन करने का वहां पे काम करेगा। तो इसको मैं नोट कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट वर्क है इसका। आगे लिखिए टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन भी भेज सकता है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन
ग्रेडियंट। चलिए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये सारा इंपॉर्टेंट वर्क किसका है? वैक्यूल का है। अब कुछ ऐसे वैक्यूल हैं जिनका नाम आपने बचपन से सुना होगा, जैसे अमीबा में आप कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का नाम सुनते हैं। नीट के एग्जाम का इसी ईयर का शायद क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ऑप्शन में लिखा हुआ था रेस्पिरेशन, फीडिंग, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। किसको टिक करना था? ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन को टिक करना था। चलिए, ये थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ स्लाइड की, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का, मैं आगे बढ़ रही हूँ। हो गया? और बहुत सारे प्रोटिस्टा में, जैसे जब आप बात करते हैं किसके बारे में, पैरामीशियम वगैरह के बारे में, तो वहां पे फूड वैक्यूल्स वगैरह भी देखा था आपने। डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्यूल जो है आपको सुनने को मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डायरेक्ट नीट का क्वेश्चन है, दैट इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, है ना, इन अमीबा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन दोनों में ये हेल्प करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, दिखा देती हूँ मैं आपको। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बनाते भी आप तो इसको, है ना। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद फूड वैक्यूल, हालांकि आपको याद है, सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने, ये रहा देखिए, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, लेकिन एक मिनट, ये कॉन्ट्रेक्टाइल को कॉन्टेक्टाइल लिखा है इसने गलत है, एक मिनट इसको रिमूव ही कर देती हूँ, रुक जाइए, स्पेलिंग एरर है इसमें। कॉन्ट्रेक्टाइल की स्पेलिंग तब तो सही लिखी नहीं है। चलिए दूसरा लगाते हैं हम लोग, जिसमें जिसमें स्पेलिंग सही हो। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा। किसके? अमीबा के। ये रहा आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, है ना। अब इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ रही हूं मैं। और बहुत सारे प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल, ठीक है, ये भी हेल्प करता है फूड को इनगल्फ करने के लिए। किस चीज के लिए? फूड को इनगल्फ करने के लिए फूड वैक्यूल भी देख लीजिए। इसमें भी होता है, हालांकि ये भी प्रोटिस्टा ही है, बट परामिशियम का देख लीजिए, एक का आपने देखा ही है तो दूसरे का देख लीजिए, याद आएगा। आप तो ड्रॉ भी करते थे बचपन में इसको, परामिशियम को।
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी इसको बहुत डिटेल में कराया मैंने आपको। चलिए एक लाइन बस फूट वैक्यूल पे लिख देती हूँ। फूट वैक्यूल वुड वैक्यूल इन मैनी प्रोटेस्ट्स, इन मैनी प्रोटेस्ट्स मतलब प्रोटेस्टा, वुड वैक्यूल, वुड वैक्यूल, food vacuole help in helps in engulfing the food particles, engulfing the food particles. इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ती हूँ मैं। माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट करूंगी अब। हो गया ये, माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट करते हैं हम लोग। पावर हाउस ऑफ द सेल दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ बोलिए। नहीं लिए थे। हाँ जी जी हो गया मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या सीखते आए हैं आप बचपन से इसके बारे में? पावर हाउस ऑफ द सेल रेफर्ड एज पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि एटीपी बनाता है। एक मैं इसके डायग्राम को आपको समझाऊंगी सिर्फ, इसके बाद गारंटी है मेरी तरफ से कि आपका एक भी क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया से मिस नहीं होगा, है ना? तो माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम की एनालिसिस जब आप करेंगे ना, इसके बाद एक सिंगल क्वेश्चन भी आपसे मिस नहीं होगा, है ना? एक और डायग्राम अच्छा लग रहा था, देखते हैं। सिंगल होगा तो माइटोकॉन्ड्रियन होगा और प्लूरल होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। चलिए पहले समझ लीजिए, क्या लिखते रहिएगा। साफ साफ डायग्राम दिख रहा है? डायग्राम नजर आने में कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए देखिए, बचपन में जब आप माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ करते थे, आप कुछ इस तरीके से बनाते थे। एक रफ पेज ले रही हूं मैं। आपने ऐसे किया, एक ओवल स्ट्रक्चर बनाया, देन ऐसे बनाते थे ना माइटोकॉन्ड्रिया, है ना? यहाँ पे अब बात क्या है कि इसमें एक इनर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है। इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूड भरा होता है उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। सबका फ्लूड अलग अलग होगा, याद रखिएगा। जैसे आगे मैं आपको क्लोरोप्लास्ट पढ़ाऊंगी तो उसके फ्लूड को स्ट्रोमा बोलेंगे हम लोग, बट ये स्ट्रोमा नहीं है। व्हाट इज दिस? मैट्रिक्स है, ठीक है?
उसके बाद ऐसे ये उभरा हुआ जो है ना यहाँ पे ऐसे रिजेस की तरह जो फॉर्म हो रहा है इसको एक होगा तो हम लोग क्रिस्टा कहेंगे और एक से ज्यादा है तो क्रिस्टी बोलेंगे। तो डायग्राम में क्या है इसके, ये देखिए इसके पास क्या है, सबसे बाहरी है आउटर मेम्ब्रेन है, अंदर जो इररेगुलर है, आउटर मेम्ब्रेन तो रेगुलर था ना बट जो इररेगुलर है दैट इज इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई इज माइटोकॉन्ड्रिया रेफर्ड एज एन ऑटोनोमस स्ट्रक्चर। कोई भी ऑर्गेनल जिसके पास खुद का अपना डीएनए होता है उसको हम ऑटोनोमस स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है तो कह रहा है कि ये क्या है, इसमें मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स में जो ये कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है दैट इज मैट्रिक्स ग्रेन्यूल। ठीक है, राइबोसोम्स भी कैरी करने का काम कर रहा है और ये जो रिजेस है तो क्योंकि ये प्लूरल करके यहाँ पे लिखा जा रहा है दैट इज क्रिस्टी। सब कुछ आपको समझ आया इसमें है ना। तो ऐसे नॉर्मली जब आप देखने जाएंगे माइक्रोस्कोप के अंदर और आप सोचेंगे कि हमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है बहुत इजीली दिख जाना चाहिए तो नहीं दिखेगा आपको, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर नजर आएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, फटाफट इसके बारे में जितनी स्पीड आप बढ़ा सकते हैं बढ़ाएंगे, मेरे साथ साथ नोट करेंगे, समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आसान सा सिंपल सा डायग्राम है इसका और थोड़ा सा लिख लीजिए तो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए लिखते चलिए मेरे साथ साथ। सबसे पहले इसके शेप की बात करते हैं हम, कैसा शेप है ये सॉसेज शेप, सॉसेज शेप और सिलिंड्रिकल, और सिलिंड्रिकल। ठीक है, देन डायमीटर की बात करते हैं, डायमीटर इज 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। विदाउट माइक्रोस्कोप तो पॉसिबल ही नहीं है ना। लेंथ ये सब भी पूछा जाता है, लेंथ इज 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब अगर इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, मेम्ब्रेन कितने हैं इसके पास, मेम्ब्रेन का स्टेटस क्या है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये दो मेम्ब्रेन है, एक है इसके पास आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और एक है इसके पास इनर मेम्ब्रेन। दिख रहा है आपको साफ साफ, एक क्या है इनर मेम्ब्रेन। अगर जो यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, इसका आउटर मेम्ब्रेन कैसा है, रेगुलर है। ठीक है, और आउटर मेम्ब्रेन जो है उसमें कहीं पे कुछ फोल्डिंग्स वगैरह नहीं है, तो आउटर मेम्ब्रेन जो है लिख लीजिए द आउटर मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस, द कंटिन्यूअस फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री। कंटिन्यू लिमिटिंग मतलब सबसे बाहर का यही हो गया ना, कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल। अगर इनर मेम्ब्रेन की बात करेंगे हम लोग, भाई इनर मेम्ब्रेन की तो सारी कहानी है, क्रिस्टा क्रिस्टी और एटीपी फॉर्मेशन सब इनर मेम्ब्रेन पे होगा, सब किस पे, इनर मेम्ब्रेन के बारे में जितना लिखा जाए कम है। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन जो है
इसके पास क्या है, नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स होते हैं, द इनर मेम्ब्रेन, द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन कंटेन्स कंटेन्स नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स, मतलब इनफोल्डिंग्स मतलब अंदर की तरफ होगा, बाहर की तरफ नहीं। इनफोल्डिंग आउटफोल्डिंग्स में नहीं लिख रही हूं, मैं क्या लिख रही हूँ, इनफोल्डिंग्स, नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड द क्रिस्टी, CRISTAE क्रिस्टी। अगर आप इसका सिंगुलर कीजिएगा तो क्रिस्टा हो जाएगा, सिंगुलर is CRISTA, क्रिस्टा इज सिंगुलर टर्म, इसी का क्रिस्टी का, ठीक है। टुवर्ड्स द मैट्रिक्स मतलब अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये आपने इनफोल्डिंग 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 किया, ठीक है, तो ये जो क्रिस्टा जो बना रहे हैं तो क्रिस्टा किधर है, बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है भाई, कॉमन सेंस है अंदर की तरफ है, तो इधर भी अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, तो क्या लिखा जाएगा उसके बारे में, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। तो मैंने क्या बोला था, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर समझना है, गारंटी है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, एक भी क्वेश्चन इससे मिस नहीं होगा, है ना। इनफोल्डिंग्स कॉल द क्रिस्टी टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, क्रिस्टी टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, पूरा हैंग कर रही टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, किधर है ये, मैट्रिक्स की तरफ है, ठीक। ये स्पेशलिटी है इसकी, किसकी। अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो इन फोल्डिंग्स हैं जिसको आप क्रिस्टी बोल रहे हैं, कर क्या रहे ये, क्या काम है इसका, क्यों प्रेजेंट है ये क्योंकि ये एटीपी फॉर्मेशन का काम करता है, तो जिसकी वजह से ये करता क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है, इसी में लिख लीजिए द क्रिस्टी, द CRISTAE, द क्रिस्टी इंक्रीज सरफेस एरिया, द क्रिस्टी इंक्रीज इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को ये बढ़ाने का काम करता है। अब अगर किसी बच्चे को ये समझ नहीं आए इसका मतलब क्या है कि सरफेस एरिया बढ़ता है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको, उसके पहले जस्ट इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, एक डायग्राम लगा देती हूँ, जाइए इसका शेप भी तो लिखा है ना आपने कि ऐसा होता है, नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, काफी आसान सा डायग्राम है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ऐसी मशीनरी है जो आपको समझ नहीं आए, समझने में दिक्कत होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया एक सिंपल सा डायग्राम और सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बहुत इजीली समझ आता है। हाँ, बात ये है कि बस आपको उसको याद रखना है कहाँ कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, पता चला कि फिर मैं पूछ रही हूँ बाद में आप बोलेंगे नहीं हमें तो कुछ याद ही नहीं है, तो आपको अभी से डिफ्रेंशिएट करके इनको याद रखना पड़ेगा ताकि इजीली एग्जाम वगैरह में आप इसको नोट कर सकें। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ रही हूं मैं, इसके सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जब हम किसको देखना स्टार्ट करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना। एक बात आप अगर ध्यान से देखेंगे, अगर इस डायग्राम पे हम आते हैं वापस, ठीक है, तो यहां एक्चुअली क्या हो रहा है, इसके इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में देखिए एक स्पेस है या नहीं है,
है ना। तो द स्पेस बिटवीन द इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज, क्या बोलेंगे हम उसको, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मतलब बीच में, तो ये क्या कहलाएगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। लिख लीजिए इसको, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, मैं मार्क कर देती हूँ, दैट इज इंटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या हो गया ये, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। मैं लिख देती हूँ, ये रहा ना, बस आगे चलते हैं हम लोग। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी लिख लीजिए, इंटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है बहुत आसान है, साफ साफ देखा आपने, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो जो बीच का इसका क्या होगा, स्पेस होगा, दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ऐसे लिख लीजिए, द स्पेस बिटवीन द स्पेस बिटवीन बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन, बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। हो गया, ये आसान है, इसमें कुछ है नहीं समझने में, ठीक है। अब मैट्रिक्स पता ही आपको, बता रखा है मैंने आपको, इसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड है दैट इज मैट्रिक्स, एम फॉर मैट्रिक्स, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो मैट्रिक्स याद रखेंगे, द इनर कंपार्टमेंट ऑफ, द इनर मतलब अंदर वाला, द इनर कंपार्टमेंट, द इनर कंपार्टमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, द इनर कंपार्टमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फिल्ड फिल्ड विथ, होमोजीनस का मतलब है होता है एक जैसा ही, फिल्ड विथ डेंस मतलब काफी थिक होगा, ठीक है, फिल्ड विथ डेंस होमोजीनस, डेंस होमोजीनस सब्सटेंस, कॉल्ड द, कॉल्ड द मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, मैट्रिक्स कहते हैं। हो गया, आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे थे क्योंकि ये क्या कर रहा था, एटीपी जनरेशन का काम कर रहा था। और इसको हम लोग ऑटोनोमस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए जो है प्रेजेंट होता है। तो मैट्रिक्स ऑफ, आगे लिख लीजिए, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स अ सिंगल सर्कुलर, अ सिंगल एंड सर्कुलर
सर्कुलर डीएनए, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑल्सो कॉल्ड एज एंड ऑटोनोमस स्ट्रक्चर, ऑटोनोमस स्ट्रक्चर जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, ऑटोनोमस स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, कुछ आरएनए भी कैरी करता है ये। नेक्स्ट लिख लीजिए, फ्यू आरएनएस राइबोसोम्स एंड एंड अच्छा एक चीज तो मिस हो गया यहाँ पे, राइबोसोम किस टाइप का है, 70S मतलब प्रोक्रियोटिक टाइप हो। ठीक है, तो फ्यू आरएनए राइबोसोम्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स, अदर इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन मैट्रिक्स, ऑल्सो प्रेजेंट इन मैट्रिक्स। ये खासियत है इसकी, ये सारी चीजें तो होंगी, ये कैरी करने का काम करेगा। और एक और चीज जो आप जानते हैं एटीपी फॉर्मेशन का, तो ये करता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस, माइटोकॉन्ड्रिया मिनट हैंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और कैसे डिवाइड करता है, ये सीजन के थ्रू डिवाइड करता है, मतलब टूट गया और दो माइटोकॉन्ड्रिया बनाने का काम करेगा। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फीजन। चलिए हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हो गया। काफी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया को रिकॉल करने के लिए। ठीक है, आपको अभी ऐसे ये लग रहा होगा, ये तो एक रफ पेज है, बाद में मैं रिमूव कर दूंगी इसको। देखिए फटाफट क्वेश्चन सुनते जाइए, विच मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। आंसर होगा इनर मेम्ब्रेन, क्योंकि इसी के ऊपर क्या है, आगे जाके आप सीखिएगा, पेरोक्सीजोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एटीपी बनाने का काम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज माइटोकॉन्ड्रिया रेफर्ड एज एन ऑटोनोमस स्ट्रक्चर, बिकॉज इट कंटेन्स इट्स ओन डीएनए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट है। विच टाइप ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगल एंड सर्कुलर बता रखा है मैंने आपको। नेम द डेंस फ्लूड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, गिव अ टर्म फॉर इन फोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी। विच टाइप ऑफ राइबोसोम, ये क्या है, राइबोसोम बने हुए यहाँ पे,
Which type of ribosome is present in mitochondria? 70S type of ribosome. Which membrane is regular in mitochondria? Outer membrane. What do you, next question, what do you understand by intermembrane space? The space between the outer membrane and the inner membrane of mitochondria is termed as intermembrane space. Kya bolte hain hum log usko, intermembrane space. Next question, why is mitochondria referred as powerhouse of the cell? Answer likhenge, because it is responsible for formation of ATP, that is cellular energy. Kaise, किस मेम्ब्रेन पे बनाएगा? ये तो फर्स्ट ही क्वेश्चन आपने किया, इनर मेम्ब्रेन. किसके हेल्प से करेगा ये? इनर. हाउ माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स? बाय फ्यूजन. 10 क्वेश्चंस बोले मैंने आपको, अभी अभी आपको पता भी नहीं चला मैंने आपको 10 क्वेश्चंस कराए टोटल. जब आपने काउंट किया होगा तो मैंने आपको सिर्फ इस माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक से 10 क्वेश्चंस कराए हैं. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जिसकी वजह से इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं किससे, माइटोकॉन्ड्रिया के टॉपिक से. अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा टर्म है जहां आपको डाउट है तो उससे आप पूछ सकते हैं मेरे से, उस रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है आपको, है ना. नेक्स्ट क्लास को हम लोग प्लास्टिड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक लेंथी टॉपिक है. अभी अगर मैं स्टार्ट भी कर दूं तो कोई बेनिफिट नहीं है उसका. एक सिस्टमेटिक वे में स्टार्ट करके फिर उसी डे फिनिश करूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मैंने स्टार्ट कराया तो आपको आज ही की क्लास में क्या किया मैंने, ये पूरा आपको एक्सप्लेन कराया. काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, क्योंकि बचपन से आप पढ़ते ही आ रहे हैं इसको कि क्या है ये, पावर हाउस ऑफ द सेल है. क्लियर है बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया में? या आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है? क्लियर है बिल्कुल? कोई डाउट तो नहीं? नो मैम. मैम इससे जो पिछले वाला पेज था ना, इसे थोड़ा पीछे कीजिएगा. हाँ लीजिए, मैं बता देती हूँ पेज वन कहाँ से. एक मिनट रुक जाइए, मैं बता ही देती हूँ शुरू से. सबसे पहले मैंने आज की जो क्लास स्टार्ट करी है, ये दैट इज फ्रॉम लाइसोसोम, पेज वन, पेज टू आज की क्लास के लिए बता रही हूँ, पेज थ्री, पेज फोर, पेज फाइव, सिक्स, सेवन, एट, ये लास्ट पेज आज की क्लास का. ठीक है, करती हूँ.